अगर आप लोग टीचर हैं, मास्टर हैं या फिर लेक्चरार हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। अगर ये तीनों में से आप कोई भी सरकारी मुलाजिम हैं, तो अब आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी होगी। दरअसल हाल फिलहाल में ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर इशू किया है, और उस ऑर्डर के मुताबिक आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से किया है ये आपको बताना पड़ेगा। यानी कि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो डिस्टेंस मोड पर किया है या फिर रेगुलर मोड पर किया है, और वो डिग्री, वो डिटेल जो है वो आपको वहां पर एजुकेशन विभाग में जमा करानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आपने डिस्टेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आप टीचर हैं या लेक्चरर हैं या फिर मास्टर हैं, तो क्या उस दिन आपकी छुट्टी थी या फिर नहीं थी। अगर छुट्टी थी तो किसने आपको वो छुट्टी जो है वो प्रोवाइड करवाई है। तो जरा आप समझिए इस बात को कि एक जमाना ऐसा था जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और एजुकेशन मंत्री नईम अख्तर थे। नईम अख्तर ने कहा था कि तमाम, आपको याद होगा, ये जितने भी आरईटी टीचर्स जो थे, इनका इन्होंने एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा था, और कुछ वैसा ही टेस्ट अब ये समझ लीजिए कि जितने भी मास्टर टीचर या फिर लेक्चरर्स हैं उनको अब अपनी अपनी डिग्रियों का ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस मोड पर किया है तो कहां से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है आपको ये भी बताना है, और किस दिन आपने, आपका एग्जाम किस दिन था, आपको छुट्टी जो है वो किस विभाग ने दी, किस अधिकारी ने दी, ये भी आपको वहां पर बताना है। अगर आप लेक्चरर हैं और टीचर हैं या फिर मास्टर हैं, इससे पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, आपको याद होगा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक और ऑर्डर जो है वो इशू किया गया था, और ये कहा गया था कि अगर कोई भी टीचर, मास्टर या फिर लेक्चरर है जो साइंस स्ट्रीम है जिसका, और वो डिस्टेंस से अपना पीजी करना चाहता है, उसको अब वैलिड नहीं रखा गया है। यानी कि अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम है, खासकर अगर मैं ईवीएस की बात करूं या फिर साइंस स्ट्रीम की बात करूं, तो यहां पर प्रैक्टिकल रहता है, और बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका ये कहना था कि अगर हम दिन भर लेबोरेटरी में या फिर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, और जो चीजें प्रैक्टिकली जो है लेबोरेटरी में सीखी जा सकती हैं, वो डिस्टेंस मोड पर नहीं सीखी जाती हैं। इसीलिए बच्चों ने भी इसका स्वागत किया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये निर्णय जो लिया गया है कि पीजी अब डिस्टेंस मोड पर खासकर साइंस स्ट्रीम के लिए उपलब्ध नहीं होगी, और अगर कोई छात्र साइंस स्ट्रीम में पीजी करता है डिस्टेंस मोड से, तो उसको पीएचडी में दाखिला नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ और भी प्रमोशंस जो होने वाली होंगी, अगर वो कोई नौकरी कर रहा है तो उसमें प्रमोशन, अगर खासकर वो एजुकेशन विभाग में है, तो उसको उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, पीजी में एडमिशन नहीं मिलेगा, एमफिल में एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो देखिए, ये इसलिए सब कुछ किया जा रहा है, इसको आप समझिए यहां पर, कि अगर कोई टीचर डिस्टेंस मोड से पीजी कर साइंस पढ़ाने आ जाता है, मास्टर या फिर लेक्चरर आता है, तो जरा सोचिए उस टीचर ने, उस मास्टर ने, उस लेक्चरर ने क्या मिस किया है, उसने प्रैक्टिकल मिस किया है। अगर हम सब जानते हैं कि उदाहरण के तौर पर आप ये लीजिए कि सब जानते हैं कि सब्जी खानी है, लेकिन सब्जी में प्रैक्टिकली सामान क्या क्या पड़ता है, मसाला क्या क्या पड़ता है, जब तक आप वो खुद सब्जी नहीं बनाएंगे, यानी कि उस सब्जी का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे बनाने का, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि सब्जी बनती कैसे है। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए यहां पर, जिस अध्यापक ने खुद से प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो वो बच्चों को क्या समझाएगा कि प्रैक्टिकल किस हिसाब से होता है और आपको क्या करना है। इसलिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि जिन अध्यापकों ने पीजी कर ली हुई है डिस्टेंस मोड से साइंस स्ट्रीम में, उनके लिए भी एक प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा है, आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे और सही राह बताएंगे कि आप लोगों को अब क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि तमाम लोग जिन्होंने पीजी एग्जाम दिया है, चाहे वो रेगुलर मोड पे हो या फिर डिस्टेंस मोड पे हो, उनको अब अपना ब्योरा, डिग्रीज जो है वहां सबमिट करवानी है एक बार फिर से, और ये बकायदा ये बताना है कि आपने रेगुलर की है, डिस्टेंस की है, किस दिन की थी,
उस दिन आप ऑन ड्यूटी थे या आप छुट्टी पर थे। अगर आप छुट्टी पर थे तो किस अधिकारी ने, किस विभाग ने जो है वो आपको छुट्टी ग्रांट की है। आप लोग देखते रहे स्टेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।